नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बहनों भाइयों, फिर हाजिर हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बताएंगे, इस वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें प्रकाश आर्ट के बारे में, आप थंबनेल कैसे बनाते हो, तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। जो कुछ लोग हैं जो नए यूट्यूबर हैं, वो प्रकाश आर्ट को इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो कैसे क्या है, और इस बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। मगर उससे पहले करूंगा मैं सभी से गुजारिश, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करते जाइएगा। तो चलते हैं अब अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो देखिए, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर, और देखिए ये प्रकाश आर्ट है, ठीक है। तो हम आज इससे ही अपना थंबनेल और लोगो कुछ भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर कुछ किसी के भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगी। अगर आपका फ़ोन में रैम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी खुल जाएगा। अगर जैसे मेरे में रैम है 2 GB है तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। देखिए ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये प्लस का आइकन आ रहा है, हमें इसी को प्रेस करना है, प्लस वाले को। देखिए जैसे ही प्लस वाले को प्रेस किया तो यहाँ से आपके सारे फ़ोटो और सारी चीज़ें ये दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर को ऐसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में और थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ बीच में एक क्रिएट न्यू, यहाँ पे इसको टच करेंगे। अगर बैकग्राउंड लेना चाहें कोई भी, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसका बैकग्राउंड, वैसे मैं तो वाइट पे बनाता हूँ, आप जैसा चाहे बैकग्राउंड। यहाँ से देखिए ये बैकग्राउंड नीचे कलर बैकग्राउंड शो हो रहे हैं, और यहाँ से लेना चाहें तो इसमें से भी कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हैं आप। मगर मैं तो यहाँ अभी इस पर टच मारूँगा, प्लस वाले आइकन पर बीच में क्रिएट न्यू पे, ठीक है। तो क्रिएट न्यू आ गया। अब यहाँ से हमें साइज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ ये ऊपर 3 डॉट है, थ्री डॉट पे हम टच मारेंगे। यहाँ लिखा हुआ है न्यू, तो हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ ये साइज दे रहा है, थंबनेल का साइज होता है वो 1280x720 होता है, और ये 1280x800 और ये ऐसे ऐसे है। तो आप थंबनेल का साइज होता है वो, यहाँ अलग अलग साइज हैं, तो मैं यहाँ से 1280x700 को टिक कर देता हूँ। जैसे ही ये टिक किया मैंने, ठीक है, ये टिक कर दिया, और ये यहाँ तीर आ रहा है, ये आइकन आ रहा है, इसको हम यहाँ से आप चाहें तो बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत बैकग्राउंड है, मगर मैं तो वाइट कलर पे ही ज़्यादा बनाना पसंद करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से इस आइकन को दबा दूँगा, देखिए ये आ गया आपका वो, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोई भी फ़ोटो या कुछ भी लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसको एक बार और इसको प्रेस करेंगे हम, ये एडिट सेव एंड शेयर, तो यहाँ से हम एक कोई भी फ़ोटो ले लेंगे। देखिए यहाँ कहाँ से लेनी है हमें, देखिए
ठीक है, जैसे ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, ये नीचे जितने भी हुआ है आप हिलता डुलता दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा है ऐड फोटो। तो ऐड फोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ से आपके जो कैमरे में होंगे वो सारे ऐड फोटो आ जाएंगे। तो यहाँ से कोई मैं एक फ़ोटो कर लेता हूँ, मेरी बच्ची के साथ में एक मेरा फ़ोटो है, तो यहाँ से मैं क्रॉप कर लूँगा इसको। और यहाँ से ये लिखा है AD ऐड वन फ़ोटो, एक करना चाहते हैं या दो फ़ोटो करना चाहते हैं, तो मैं अभी एक ही फ़ोटो ऐड करूँगा। ये मेरा आ गया। अब इसको मुझे क्रॉप करना है क्योंकि मुझे अपना हिस्सा काटना है, तो यहाँ से मैं अपनी बच्ची का काट देता हूँ, ये मेरी लड़की है। यहाँ से मैं अपना ही फ़ोटो लूँगा ओनली। तो ये मैंने क्रॉप कर दिया, और ये राइट वाला निशान है, यहाँ से हम इसको मार देंगे। ये देखिए ये हो गया क्लिक। अब यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने उसको बड़ा कर लिया, और ये मैंने लगा दिया इसे साइड में, ठीक है। तो और फिर राइट वाले पर हम क्लिक कर देंगे। अगर इसमें कटर है तो कटर तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना अभी, ठीक है। इसको बैक ले लेंगे, और यहाँ से बॉर्डर लगाना हो, फ्रेम लगाना हो, कुछ भी लगा सकती है, मगर मैं कुछ नहीं लगा रहा अभी। इसको राइट कर दूँगा, ये मेरा यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से टैक्स यानी जो लिखेंगे वो सारी चीज़ लगाएंगे, तो यहाँ से टैक्स लगाने हैं। तो देखिए अभी मेरा हिंदी कीबोर्ड है, तो अभी मैं बोल के लिख देता हूँ इस पे, विकास आर्ट से थंबनेल कैसे बनाएं। देखिए ये मैंने बोल दिया, और इसको हम ऐड कर देते हैं। आप वो अभी क्या है, मैं एक हाथ से माइक पकड़े हुए हूँ, एक हाथ से फ़ोन को पकड़े हुए हूँ। तो देखिए अभी ये आ तो गया है मगर हमको दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको बैक कर लेंगे। सॉरी, राइट कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, मगर टैक्स तो लिख चुके। देखिए गलत हो गया है, कोई बात नहीं। देखते हैं इसमें कलर में डाल के देखते हैं कुछ आया है या नहीं, ठीक है। तो अभी कलर डाल देते हैं, डबल टैप एडिट ये दे रहा है, तो ये तो गलत होगा ना। तो अभी हम इसको वापस कर लेते हैं, देखिए गलत हो गया था। यहाँ से टैक्स लिखेंगे, विकास आर्ट से थंबनेल कैसे बनाएं। तो यहाँ ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से ये सारी प्रोसेस हटा देंगे। ओके नो यार, कैंसिल कर दिया मैंने। अब इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आइकन है, कलर लिख रहा है, आपको कलर से कलर पे टच मारेंगे। जैसे ही कलर पे टच मारेंगे, यहाँ इस वाले पे टच मार दीजिए, कैसा कलर रखना है वो आपकी मर्जी है। देखिए ये आ गया, अब इसको हम बड़ा कर लेंगे। देखिए चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब कलर के बाद दूसरा है एंडर, तो इसको टच मार देंगे। देखिए कलर अपने आप चेंज हो गए, इस वाला कलर मुझे चेंज करना है, तो ये लगा दिया मैंने। देखिए ऐसा हो गया, दोनों एक से कलर हो गए। तो अब हम इसमें आधा एक तरफ लीला लगा देंगे, देखिए इस टाइप का हो गया।
और टेक्सुअल बनाना है तो यहाँ से इसको टेक्सुअल दबा देंगे। अब देखिए कमाल, देखिए यहाँ से ये टेक्सुअल लिखा हुआ है, यहाँ से आप चाहे जैसा लगा सकते हैं। तो अभी मैं लगा देता हूँ इसको, टेक्सुअल हो गया। अब टेक्सुअल होने के बाद में ये टी छपा है, टी स्टॉक का, तो टी को दबाएंगे। जैसे ही टी को दबाएंगे देखिए, ठीक है, तो यहाँ से इसको और बड़ा कर लेंगे। अब ये तो हो गया ये, अब इसमें डिजाइन देना है तो यहाँ से ये ब्रांडिंग करेंगे इसकी। तो ब्रांडिंग में ऐसा ले लेंगे इसे, ठीक है, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब ये हमने छोटा सा कर लेते हैं और देख लीजिए। सॉरी यार, ये इस टाइप से हो गया, ठीक है, ये तो हमने लगा दिया। इसको और छोटा कर लेते हैं, यहाँ ऐसे लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने यहाँ पे, और ये लगा दिया टी स्टॉक, लगा दिया टी स्टॉक हो ही गया। अब यहाँ से टी स्टॉक हो गया इसमें, और भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा बड़ा घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो अभी हम कलर इसका ये कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो आप चाहे जैसा घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी बना सकते, अमेजिंग बना सकते हैं इसको। टी स्टॉक हो गया, तो कलर पर फिर आ जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने ये लगाया था, अब इसको और ब्रांडिंग बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर टी स्टॉक पे आ जाता हूँ और यहाँ से इसका कलर चूज कर देता हूँ ब्लैक का। तो देखिए मैं इस पे पीछे ब्लैक लगाऊंगा इसका, ब्लैक लग गया। अब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है ये, ठीक है। तो इसे हम फिर एक बार डन कर देंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अब यहाँ से कोई और फोटो भी लगा सकते हैं, या अब यहाँ से हम एक पिकास आर्ट की वो लेंगे, इमेज लेंगे एक पिकास आर्ट की एक फोटो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, स्क्रीनशॉट में से ऐड वन कर देता हूँ। ऐड वन करने के बाद में जैसे ये आ गया मेरा फोटो, अब यहाँ से मुझे क्रॉप करना है, तो मैं प्रकाश आर्ट का ही फोटो लूँगा बस, और बाकी का सभी को क्रॉप कर दूँगा। देखिए अभी मेरे पास इमेज अवेलेबल नहीं थी, तो मैं तो बस वैसे ही दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पिकास आर्ट का फोटो ले लिया, तो अब मैं पिकास आर्ट के फोटो को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लगा दूँगा, या यहाँ से पिकास आर्ट, ठीक है। आप देख ही चुके हैं। अब इसकी ब्रांडिंग करनी हो या कुछ भी करना हो तो देखिए, ठीक है, आप लोग देख ही चुके होंगे। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये थंबनेल, ठीक है। और भी कुछ है? इफेक्टेड करना हो यहाँ से न्यू, या कुछ भी करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं करूँगा, अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो देखिए ये आ गया, ठीक है। अब हम फ्रेम चाहे फ्रेम लगा सकते हैं, मगर मुझे फ़िलहाल फ्रेम नहीं लगाने। अगर थंबनेल पे फ्रेम लगाना हो तो फ्रेम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रेम नहीं लगा रहा हूँ अभी, इसको
मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये बन चुका है। अब इस पे और कुछ लगाना हो मुझे तो वो भी लिख के लगा सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, दस दस हो गया। और यहाँ पे लिखूँगा, हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ व्यू। ओके, अब इसको हम फिर ऐड कर देते हैं। ये आपका आ गया यहाँ पे 10 मिलियन व्यू, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ फिर वही प्रोसेस आ जाएगा हमारा कलर वाला, तो यहाँ से कलर देंगे इसमें पहले ये कलर, और राइट वाले से राइट कर देंगे, 10 मिलियन व्यू आ गया आपका। और ठीक है, ये तो ये हो गया। अब यहाँ से ब्रांडिंग करेंगे तो यहाँ पे एक काला है, एक लीला कर देते हैं, एक लाल कर, नहीं पहले लीला, और इधर वाले को कर लेते हैं हरा। देखिए वैसा भी बना सकते हैं, या फिर इसको हरे वाले को लाल कर देते हैं, देखो। ठीक है, तो आप चाहे और टेक्सुअल में करना चाहें तो आप टेक्सुअल में भी कर सकते हैं इसको, जैसा चाहे जैसा बना सकते हैं। देखिए तो आप की मर्जी है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे ब्लैक कलर दे के यहाँ पीछे इसके वो लगा दो, 50 मिलियन व्यू। ये आपका थंबनेल बनके क्लियर तैयार हो चुका है। अब इसे सेव कैसे करेंगे, फिर यहाँ तीर वाले निशान पर टच मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपका, थोड़ी सी ऐड आएगी इसमें, ऐड को कट कर दें। और कट करने के बाद में सॉरी ये आ गया, यहाँ पर दे रहा है सेव एंड शेयर, तो हम सेव पे करेंगे। ओके, जैसे ही सेव पे तो यहाँ लिखा आ रहा है, गैलरी में लोगे, फेसबुक पे लोगे, व्हाट्सएप पे लोगे, तो मैं तो गैलरी में सेव करना चाहूँगा, तो यहाँ पे जैसे ही इस सेव के बटन पे क्लिक मारूँगा तो सेव टू गैलरी, देखिए ये मेरी गैलरी में आ चुका है। तो देखिए आइए अब हम गैलरी को खोल के देख लेते हैं, ये अभी बनाया वो आया है या नहीं आया। देखिए परफेक्ट तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से थंबनेल बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है ओपी शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार टेक्निकल मिक्स मसाला। टेक केयर, बाय बाय।